हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में बांसफोड़ समुदाय के लोगों की पिछले 100 वर्षों से कब्जा शुदा शमशान भूमि पर वन विभाग द्वारा चार दीवारी निकालकर हमें बेदखल करने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय वासु को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर बताया कि बांसफोड़ वर्ग के लोग अपना भरण पोषण गट्टी और बांस के सामान टोकरी व ओडी बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिस कारण से हमारा जीवन तथा आसपास के गांव व शहरों में जाकर अपना गुजार बसर करते हैं। ये है कि हम बांसफोड़ समुदाय की शमशान भूमि मामा जी थान के पीछे भीमा रोड जालौर में आई हुई है, जहां पिछले 100 वर्षों से हमारे पूर्वजों के समय से उक्त जमीन पर समाधियां दी जाती हैं, तथा कई समय से हम उक्त जमीन पर हमारे समुदाय के शवों को दफनाया जा रहा है, तथा वर्तमान में वन विभाग जालौर द्वारा उक्त जमीन को अपने कब्जे में लेकर उक्त जमीन पर चार दीवारी निकाल दी गई है, जिसे हम बांसफोड़ समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार समाधि देने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि बांसफोड़ समुदाय के लोगों को शमशान भूमि जो पिछले कई वर्षों से मामा जी धान के पीछे भीमल रोड थी, वहीं आवंटित करवाएं, अन्यथा हमारा समुदाय धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस दौरान रामाराम दानाराम लाखाराम वेलाराम गोविंद कुमार महेंद्र कुमार जमुना राम शांतिलाल मुकेश कुमार नोपाराम तरन कुमार ओम प्रकाश प्रवीण व जमुना राम सहित काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।